और अब बात करते हैं रीवा की, जहां सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पिछले 15 दिनों में 19 से अधिक नवजात और 5 साल तक के बच्चों की मौत हुई है। गांधी स्मारक चिकित्सालय में बने बाल एवं शिशु गहन चिकित्सा भर्ती वार्ड में प्रतिदिन करीब 2 बच्चों की मौत हो रही है। PICU यूनिट में बच्चों की मौत हो रही है। यहाँ शिशु वार्ड में भी अव्यवस्थाओं का भरपूर नजारा दिख रहा है। भीषण गर्मी के बाद भी AC और कूलर सब बंद है। खुद परिजन वही दिखावे के लिए लगे 2 कूलर के पानी की टंकी ही गायब है। एक ही बेड में 2 से 3 नवजात बच्चों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। इस वार्ड में बने बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए हैं, जहां पानी की सप्लाई भी ना के बराबर होती है। महिला और पुरुष एक साथ ही एक बाथरूम का उपयोग करने के लिए मजबूर हैं। बदहाली का आलम यह है कि बच्चों के साथ आई महिलाएं परेशान हैं। नवजात बच्चों को देखने के लिए कोई बड़े डॉक्टर नहीं पहुंचते। PG करने वाले डॉक्टरों के हवाले में अस्पताल का शिशु गहन चिकित्सा यूनिट और शिशु वार्ड PG करने वाले डॉक्टरों के हवाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। आए थे हम, देखा जी जाए आए हैं।